हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं। ओके अब जो आएगा वो आएगा बाद में, काफी वेट कर लिया। सो वी हैव टू डेटा फ्रेम्स। ओके थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके सो देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास दो डेटा फ्रेम्स है। आज हम क्या इसको ऑपरेशन देखेंगे, लाइक हमने कॉलम तो ऐड करना देख ही लिया था। ओके आज हम इसमें से पॉप ड्रॉप और इसमें डिलीट करना देखेंगे कि पॉप में ड्रॉप में डिलीट में क्या डिफरेंस होता है। ओके गॉट इट, आओ देखते हैं। परफॉर्म पॉप ऑपरेशन। ओके फर्स्ट ऑपरेशन देखते हैं पॉप कैसे होता है। ओके पॉप करता क्या है, ड्रॉप करता है, डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ पॉप की सबसे पहले, ओके तो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ पॉप वी परमानेंटली टेक आउट दैट कॉलम एंड मॉडिफाई ओरिजिनल डेटा फ्रेम। गाइस बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करा तो आप जो भी कॉलम पॉप कराओगे वो हमेशा के लिए वहां से पॉप हो जाएगा, मतलब कि आप उसे परमानेंटली वहां से निकाल लोगे। ओके और एक अलग जगह सेव करा लोगे और उस डेटा फ्रेम में आप वो वाला कॉलम अवेलेबल नहीं होगा। मीन्स इसका जो रिटर्न टाइप होगा कुछ मैंने सपोज करो लिखा सिंपली, मैंने बोला ए इक्वल्स टू में ओके डीएफ डॉट पॉप। अभी के लिए मैं इसे नॉर्मली एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ओके क्या बोल रहा, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, पॉप मिसिंग वन पोजिशनल आर्गुमेंट आइटम। क्या पॉप मिसिंग वन पोजिशनल आर्गुमेंट आइटम की भाई आपको क्या पॉप करना है ये तो बता दो। ओके गॉट इट, आपको क्या पॉप करना है ये तो बता दो। ओके मुकेश एक बार आपको मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि पॉप हमेशा लास्ट से उठाए, वो कुछ कुछ सिनेरियोज में ऐसा होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या करे, लास्ट से पॉप करे, कुछ सिनेरियो में होता है। यहाँ पे देखो उसे टारगेट चाहिए, क्या चाहिए, टारगेट चाहिए। स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, डेटा नहीं है यहाँ पर, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या अपना एक टारगेट चाहिए, तो मुझे टारगेट देना पड़ेगा कि भाई आपको किससे पॉप कराना है। लास्ट से नहीं कराएगा, किसी भी टारगेट को करा सकते हैं, इसलिए मैंने वहां पर टारगेट लिखा है। लास्ट से कराता तो मैं पहले ही आपको बता देता कि लास्ट से पॉप कराएगा। गॉट इट, समझ में। सेट के केस में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे स्लाइसिंग इंडेक्सिंग नहीं होती है। ओके और भी कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ पे लास्ट से भी पॉप करा लेता है और टारगेट से ही पॉप करा लेता है, बट यहाँ पे ये स्पेसिफिकली टारगेट से ही पॉप कराएगा। ओके अगर ऐसे नॉर्मली मैं पॉप यूज करता, अगर लास्ट से पॉप कराना होता तो ऐसे पॉप करा लेता, जैसे कि अभी मैंने परफॉर्म कराया था, यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल जाता। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, टारगेट के रिस्पेक्ट में चलेगा कि आपने जो भी टारगेट पास करा वहां जाएगा, उसे सर्च करेगा। ओके और फिर उसे पॉप कराएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ टारगेट में निशान। ओके ऑपरेटेड, ठीक है। क्या बोल रहा है, की एरर। गाइस आपको मेन फोकस एरर्स पे ही करना है, आउटपुट तो आ ही जाएगा, जो सही है वो तो सही है, फोकस ये करना है कि गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वो की पास करी अभी जो कि अवेलेबल नहीं है, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, की एरर मिलेगा। क्या मिलेगा, की एरर। अब मैं पास करता हूँ जो चीज प्रेजेंट है, मैंने लिखा ए, ए तो प्रेजेंट है ना, तब ए को हम पॉप करा के देखते हैं। तो मैंने जैसे इसे ऑपरेट कराया तो ए मेरा पॉप हो चुका है, ए मेरा पॉप हो चुका है। देखो यहाँ पे डीएफ प्रिंट हो रहा है। ओके और डीएफ वन को मैंने प्रिंट नहीं कराया है, ठीक है। तो डीएफ वन प्रिंट नहीं हो रहा है, एक सेकंड। ओके सो दिस इज डीएफ एंड दिस इज डीएफ वन। ओके
अब मुझे ए का देखना है कि ए में क्या आउटपुट आया है. ओके तो लिखता है प्रिंट ए. ओके ये क्या है मेरा ए है एंड आफ्टर पॉप ए फ्रॉम डीएफ then we get df. okay तो आज जब मैं pop कर लूंगा इसका मतलब है कि तो मुझे output में क्या मिलता है ये observe करेंगे. okay गाइस लेट मत हुआ करो ठीक है. अगर 10 का टाइम मैं दे रहा हूँ सुबह 10 बजे का तो 10 मिनट तो चलता है उतना मैं कंसीडर कर सकता हूँ ठीक है. फिर सेशन स्टार्ट होने के बाद अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो फिर काफी इशू होते हैं. ओके तो मेक श्योर अगली बार से याद रखना आपको. अभी तो मैं अलाउ कर रहा हूँ. ओके क्या बोला अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर दिस 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 एक सेकंड गाइस ऑपरेट कराते हैं इसे. ओके सो अब अगर आप यहां से आउटपुट देखोगे तो देखो ए तो अलग आ चुका है गाइस. ऑब्जर्व इट ओके केयरफुली ए मेरे पास अलग आ चुका है. ओके उसके बाद जब ए पॉप हो गया तो मैंने फिर से डीएफ को प्रिंट कराया. तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डीएफ में अब मुझे df कितनी भी बार प्रिंट करा लूं वहां पर इसके बाद a अवेलेबल नहीं है. तो इसके बाद अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो क्या इसने उस डेटा फ्रेम को कस्टमाइज कर दिया है. a वहां से हमेशा के लिए जा चुका है. क्लियर गाइस पॉप का मतलब समझ में आया. पॉप का रिटर्न टाइप होता है. पॉप क्या रिटर्न करता है जो भी चीज आप वहां से निकाल रहे हो कहां से टारगेट डेटा फ्रेम में से जो भी आप निकाल रहे हो उसे निकाल के आपको प्रोवाइड करा देगा किसी अलग स्ट्रक्चर में और उसे ओरिजिनल वाले को मैनिपुलेट कर देगा. तो अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में ए अवेलेबल नहीं है. क्लियर है गाइस दिस इज योर पॉप ऑपरेशन. दिस इज योर पॉप ऑपरेशन. गॉट इट समझ में आया. आगे बताऊं पॉप में किसी को डाउट है जो लेट आए थे वो भी सुन लो. पॉप ऑपरेशन क्या करता है. ओके पॉप ये करता है कि जो आपका टारगेट है ओके ओके जो भी आपका टारगेट है ओके एक सेकेंड क्या बोल रहे हैं सतविंदर सर रो भी पॉप करा सकते हैं. सतविंदर पहली बात तो है कि देखो रो का कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे. क्या है रो पे हेटेरोजीनियस एलिमेंट कंटेन करेंगे मेरे. ओके तो अगर आप उस एक रो को पॉप कराने के लिए ट्राई करोगे बेसिकली तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि आप रो पॉप करा सकते हो. गॉट इट क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर लाइक अगर आप बोलोगे कि आप डीएफ डॉट पॉप और इसमें से टारगेट में क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या ले रहा है मैंने ए पास करा तो ये कॉलम मेजर पे जा रहा है. अगर आप इसे रो मेजर पे भी भेजना चाहोगे लाइक आपने तो किस तरीके से परफॉर्म करा दिया. ओके लाइक दिस चलो मान लेते हैं स्लाइस कर रहे हैं. ओके ये रो नंबर जीरो क्या बोल रहा है देखो की एरर. क्या बोल रहा है की एरर. तो ये पॉसिबल नहीं है. अगर आप ऐसे भी पास करके देख लो एक सेकेंड. ओके तो देखो अभी भी क्या दे रहा है ये की एरर दे रहा है. ओके तो बेसिकली क्या आपको ये कॉलम मेजर पे ही जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेगा. ओके क्लियर है कि स्ट्रक्चर को मैं से स्ट्रक्चर को पॉप करा रहा है. देखो वहां पर जो ने ए पॉप कराएगा देखिए तो आपको क्या मिलेगा कि स्ट्रक्चर मिलेगा ये प्रॉपर. ओके यहाँ से ये ओके इतना पॉप कराया इसने मतलब कि ये भी जो ए अभी पॉप होके आया है वो क्या है आपका क्या होगा गाइस एनीवन टाइप ऑफ ए. इफ आई सेड टाइप ऑफ ए देन व्हाट वी गेट एनीवन इंट. इंट कौन था ये भरत डेटा फ्रेम. ओके चलो कमल पिटेगा बेटा इंट है ना. देखो क्या है नो डेटा फ्रेम. नो डेटा फ्रेम आप लोग गलत बोल रहे हो. पुरानी क्लासेस स्किप क्यों कर रहे हो इसीलिए थोड़ी टाइम वेस्ट करा था वहां पर. ध्यान से देखो
बताया था ना बॉक्सेस बना के कि अगर दो सीरीज को एक साथ रखूंगा तो डेटा फ्रेम बनता है, एंड क्या डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ सीरीज, इस तरह से डेटा होमोजीनियस होता है, इस तरह से डेटा हेटरोजीनियस होता है, दैट्स द थिंग। यही से चीज आपको समझनी चाहिए, इसलिए नहीं निकाल सकता कोई भी मेरी एक तरह से सिमिलैरिटी बैठेगी नहीं, तो डेटा कहाँ से आएगा मेरे पास। देखो क्या रिटर्न आ रहा है आपका सीरीज, अगर दो पॉप कराता तब बोल सकते थे कि आप हाँ वहां पे कि आप क्या कर सकते हो, आपका डेटा फ्रेम आएगा। बट अगर एक ही एक एक कॉलम पॉप करा रहा है तो वो आपका रिटर्न टाइप सीरीज आएगा। डेटा फ्रेम इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सीरीज। गॉट इट गाइस, समझ में आया? मिसकंसेप्शन मत रखो, कोई डाउट हो तो इस तरीके से रिजोल्व करो। ओके, अगर मुझे सपोज करो बी कस्टमर डीएफ डॉट पॉप, ओके, और मैं यहाँ पर परफॉर्म कराता हूँ दिस, ए ए तो पॉप हो चुका है, बी कॉमा सी, नाउ अब देखते हैं। ओके, सो क्या हुआ यहाँ पर देखो, और एक सेकंड टाइप एरर दे रहा है, स्ट्रक्चर गेट नहीं हुआ वैसे। एक साथ मल्टीपल में पॉप नहीं सकता, हो सकता है ये एक और फंक्शन आता है, इसका मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ये भी पॉसिबल है। ओके, अभी के लिए इतना समझ में आया। एंड भरत सर, भरत का भी कुछ क्वेश्चन आया थी, कैन वी रिमूव यूजिंग इंडेक्सेस आल्सो। भरत, अगर वहां पर आपने लेबल्स नहीं दिए तो ऑब्वियसली आप इंडेक्सेस का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, गॉट इट। बट वहां पर भी एक कंस्ट्रेंट आ ही जाएगा, क्या सपोज करो आपके पास जीरो पास कर रहे हो तो फिर वो रो कॉलम पे इशू करेगा, ठीक है। तो बेसिकली टारगेट यही रखो कि आपके पास वहां पे इंडेक्स लेबल्स हो, ओके, तो आप इजीली वहां से गेट कर सकते हो। गॉट इट भरत? ओके, चलो आगे देखते हैं। तो गाइस ये तो था पॉप, ठीक है। इसके बाद देखो, अब इसमें कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रेंट थे ही मेरे पास, है ना, तो इसे रिजॉल्व करने के लिए जो नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ उसका नाम रखा मैंने ड्रॉप। ओके, क्या नाम रखा? ड्रॉप फंक्शन। क्या करता है दिस रिटर्न, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, डेटा, ओके, दिस रिटर्न डेटा, ऐसे नहीं, ऐसे दिस इज यूज टू ड्रॉप दैट स्पेसिफिक डेटा विच यू वॉन्ट टू रिमूव एंड देन प्रोवाइड एक्सेप्ट टारगेट डेटा। ओके, सो गाइस बेसिकली अगर बोलने की बात है तो अगर डेटा ड्रॉप की बात करो तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है आपका, गाइस ध्यान से सुनना मेरे रिपोर्ट्स पे होस्ट करो, मैक्सिमम टाइम डेटा फ्रेम में होता है, सीरीज नहीं होता है। ओके, रिटर्न टाइप इज डेटा फ्रेम एंड सीरीज, आइदर डेटा फ्रेम और सीरीज कर लो, इसे कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम डेटा फ्रेम ही होगा। गॉट इट गाइस? अब कैसे होगा, देखो सपोज करो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ओके, और ये क्या करता है, मैनिपुलेट नहीं करता, इट नेवर मैनिपुलेट ओरिजिनल वन, ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ओके, ओरिजिनल डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट नहीं करता है। सो सपोज करो मैंने आपको बोला कि यार एक काम करो कि एक जगह एक सामान रखा है कुछ, वहां पे काफी स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से जाके आपको स्टॉक में एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसका नाम है 201, ओके, आपको 201 बॉक्स उठा के लाना है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे, ठीक है, बॉक्स 201 उठा के ले आओगे, तो ये काम कौन कर रहा था, आप बॉक्स 201 वहां से उठा के ले आओगे, तो दैट्स योर पॉप ऑपरेशन, दैट्स योर पॉप, क्योंकि वहां पर 201 प्रेजेंट नहीं है, ओके, ये काम कौन कर रहा था, पॉप कर रहा था। बट ड्रॉप क्या करता है, वो क्या करेगा, वो वहां जाएगा, ठीक है, 201 को छोड़ के बाकी सारा डेटा उठा के ले आएगा, ठीक है, समझ रहे हो, 201 को वहीं छोड़ देगा, बाकी सारा डेटा उठा के ले आएगा, मतलब एक्सेप्ट दैट टारगेट जो कि आप उसे बोल रहे हो उसे छोड़ के बाकी सारा डेटा आपको रिटर्न करा देगा।
मतलब वो चीज वही ड्रॉप करा देगा, बाकी सारा डेटा आपको दे देगा। मतलब इस तरह से भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। लाइक मैंने बोला ओके बी इक्वल्स टू ओके df.drop। अब मैंने इसे ड्रॉप करने के लिए क्या बोला, मैंने बोला भाई ड्रॉप करा दो क्या, एक काम करते हैं सिंपली इसमें भी जीरो पास करता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ ना कुछ तो आउटपुट आया है, कुछ ना कुछ तो आउटपुट आया है। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आया है। प्रिंट बी After drop data from B from DF, then we get, देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। DF okay, तो A तो मैं पहले से निकाल चुका, मैंने यहां जीरो पास करा, देखते हैं क्या आएगा मेरे पास आउटपुट में। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको स्ट्रक्चर पे, जीरो क्या गायब हुआ है पहले ये देखो, बताओ जल्दी से क्या गायब हुआ है। अरे भाई साहब करण कमल प्रिया गलत हो आप तीनों, यू आर रॉन्ग। करण का तो आउटपुट यहाँ है प्रिया एंड कमल ओके, प्रिया और कमल ध्यान से देखो क्या गायब हुआ है यहाँ पे। ए तो मैं क्या करा चुका हूँ, ए तो मैंने उससे हटाया था पॉप से ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ भरत एंड योगेश यू आर राइट, जीरो रो यानी कि एक पॉइंट और पता चला आपको कि बाय डिफॉल्ट इट वर्क एट रो साइड। समझ में आया, ये रो साइड भी वर्क करेगा बाय डिफॉल्ट, बट कॉलम पे मैं कैसे जाऊंगा, चलो वो तो बात की बात है, मैं कॉलम पे कैसे जाऊंगा ओके। अभी आपको पता चला कि आप कैसे पॉप ड्रॉप करा सकते हो। तो क्या हुआ, जीरो को छोड़ के क्या, जीरो रो को छोड़ के बी में इसने सारा डेटा निकाल लिया ठीक है। मतलब जीरो थ्रो वहां से वैनिश हो चुकी है, जीरो थ्रो वहां से वैनिश हो चुकी है, बट अगर मैंने जब ओरिजिनल डेटा फ्रेम देखा तो वहां पर वो अभी भी प्रेजेंट थी, तो ड्रॉप ने परमानेंटली रिमूव नहीं करा है, टेम्पररी रिमूव करा है। मतलब जीरो को पीछे छोड़ के एक फिल्टर लगाया जिसमें जीरो पीछे छूट गया, जीरो थ्रो और बाकी सारा डेटा आपके सामने आ गया है। गाइस वर्किंग समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ, डिफरेंस समझ में आया कि पॉप में और ड्रॉप में मेजर डिफरेंस क्या है। ओके गॉट इट गाइज, यही सारे फंक्शन होते हैं जो आपके काम को इजी कर देते हैं। भरत ना, अगर आपने क्या करा देखो, जीरो थ्रो तो आप यहां से निकाल सकते हो ना, आपकी ये मैनिपुलेट थोड़ी ही है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है, इसका आउटपुट ही वही है कि वो उस चीज को जो आप टारगेट पास करोगे उसे बैक में जाके बाकी डेटा आपको प्रोवाइड कराएगा। ये फंक्शन बना ही इसी तरीके से ओके। अगर आपको जीरो गेट करना है तो यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसे पॉप करा लो ओके। मैंने बोला ना उसके कंस्ट्रेंट को इसने रिजोल्व करा है ओके। इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो यही है कि जो भी आप फिल्टर कर रहे हो उस चीज को छोड़ के बाकी सारा डेटा आपको प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए मैंने बोला कि मेजरली क्या आएगा यहाँ पर, आपका मेजरली डेटा फ्रेम आएगा, क्योंकि एक चीज या दो चीज को छोड़ के अगर आप पूरा डेटा रखोगे ओके तो आपको इस तरीके से मिलेगा। गॉट इट भरत, क्लियर है? वेट अ सेकंड गाइस, ओके okay?
सो गाइस देखो ये तो क्या था, अब हम मल्टीपल वैल्यूज पास करके देखते हैं। तो मैंने देखो अब बी वन ऑपरेशन कराता हूँ सेम, और यहाँ पे मैंने क्या पास करा, ठीक है अगेन मैं चलो जीरो वन नहीं पास करता हूँ, इसे वन कॉमा टू कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा, वन कॉमा टू, बट अगर आपको बताइए एक ही एट्रीब्यूट लगे एक टाइम पे, तो मैंने इसे क्या करा बाइंड कर दिया कुछ इस तरीके से। ये क्या रो साइड ही चलेगा, अभी भी क्या चलेगा रो साइड, तो बी वन कर देते हैं इसे और फिर देखते हैं डी एफ वन। तो जैसे अनहैशेबल टाइप लिस्ट, एक सेकेंड ड्रॉप में मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने मुझे ये करता था एक्सेप्ट। ओके सो अब देखो मैंने 1.2 निकाला है, ओके मैंने क्या निकाला है 1.2। तो देखोगे तो अगर आप ऑब्जर्व करके तो 1 और 2 यहां से दोनों गायब है, 0 है फिर 1 नहीं है 2 नहीं है। ओके गाइस क्लियर है, आगे देखते हैं। ओके ये क्या था मल्टीपल पैरामीटर, अब हम चलते हैं किस साइड, कॉलम साइड। ओके कॉलम साइड कैसे जाऊंगा भाई, दो तरीके हैं, पहला तरीका तो यही देख लेते हैं सिंपल। मैंने लिखा दो सारी कॉलम नंबर 0, ऑपरेशन नंबर B2, लेबल कंटेंट नॉट इन एक्सेस, ठीक है गाइस। इधर देखो मैंने अगर स्लाइसिंग लगाई थी तो इसने वर्क नहीं करा, मैंने बोला दो सारी थी और कॉलम नंबर 0, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि सिंटेक्स इनवैलिड है, ड्रॉप में कुछ इस तरीके से ऑपरेट नहीं हो सकता है। ओके ड्रॉप में कुछ इस तरीके से अगर सिंटेक्स एरर दे रहा है तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। ओके इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम साइड तो जाना ही पड़ेगा आपको, तो कॉलम साइड कैसे जाओगे। तो जब मैंने ए पास करा मैंने सोचा यार बाय डिफॉल्ट भी चला जाके चला जा सकता है, ये खुद ब खुद ही ले ले अपने आप से। क्या बोल रहा, लेबल्स ए नॉट कंटेन्ड इन एक्सेस, तो मुझे पता चल गया कि यार ये एक्सेस को छोड़ जाएगा। ओके यहाँ से पता चल जाता है गाइस, आप जब ऑपरेशन में एरर पढ़ोगे खुद ब खुद ही बताता है। तो मैं अब एक्सेस का यूज करूंगा, मैंने लिखा एक्सेस, या फिर नहीं भी लिखोगे एक्सेस तो यहाँ से 0 पास करो। तो 0 आपको पता है किसके लिए होता है, रो के लिए जिसमें बाय डिफॉल्ट चल रहा है, और 1 होता है कॉलम के लिए। ओके तो अगर आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेस देना था इस तरीके से दे सकते हो एक्सेस, और भी पैरामीटर और भी पैरामीटर होते हैं। ओके ठीक है अगर आपको किसी फंक्शन में कोई डाउट हो रहा है तो आप कंट्रोल आई करोगे तो उसमें एरो अंदर लग के तो आपको बता देगा। यहाँ पे वन इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि देखो इसके इंटरनल पैरामीटर्स भी है, लाइक आप लेबल्स को नन कर सकते हो, ठीक है एक्सिस को, एक्सिस भी बाय डिफॉल्ट देखो 0 है, ठीक है इंडेक्सेस नन है, मतलब आप यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स जो डेटा फ्रेम के होते हैं ना वो भी प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। इन प्लेस ट्रू का मतलब क्या होता है गाइस, इन प्लेस ट्रू या फॉल्स हम आगे पढ़ेंगे इसे, बट अगर दिख गया तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन कराई है तो ये क्या करेगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में मैनिपुलेट कर देगा आपकी। ओके तो बेसिकली हम इसका यूज करने से बचते हैं, ठीक है। जहां हमें श्योर होता है कि हाँ ठीक है मुझे मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सही है यही आउटपुट आना है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं इन प्लेस ट्रू का, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 1, तो आप देखते हैं एक सेकेंड ए है भी कि नहीं है, डीएफ में ए तो अवेलेबल है आपका, तो ए हट क्यों नहीं रहा है, ड्रॉप ए विद एक्सेस 1, लेबल ए नॉट कंटेनिंग एक्सेस। ओह या यू आर राइट, सॉरी गाइस ए मैं पॉप करा चुका हूँ, सॉरी, ठीक है ना ए मैं पॉप करा चुका हूँ। तो अगर मैनुअली देखा जाए तो फिर तो इससे भी परफॉर्म हो जाना चाहिए, फिर देख लेते हैं
रो सारी, क्योंकि कॉलम नंबर ई ले लेते हैं। तो ओके तो चलो ठीक है। हाँ ये तो इनवैलिड सिंटैक्स ही बता रहा है, बट सही है। फिर ई पास करा और अब एक्सिस पे वन पास करके देखता हूँ मैं। ओके कूल, ठीक है ना। सो गाइस एक्सिस पे आप ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से पास कर सकते हो, आउटपुट आपका यही आएगा। ओके सो दिस इज आवर बी टू आउटपुट। तो देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई गायब है, कॉलम से ई गायब है। ओके कॉलम से क्या ई गायब है, बट ओरिजिनल में ई अवेलेबल है। गाइस सॉरी फॉर दैट, ए इससे नहीं हो रहा था क्योंकि ए को मैं पॉप करा चुका था और मैं भूल गया था उसे। ओके तो मैंने पॉप करा दिया तो मैं उसे ढूंढ रहा था, तो क्या बोल रहा, लेबल नॉट इन एक्सिस, मतलब अवेलेबल ही नहीं था वो। ओके बट तो मैंने एक्सिस पैरामीटर, अगर आपको कॉलम साइड जाना है तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सिस पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। फॉर ड्रॉप डेटा एट कॉलम साइड देन एक्सिस। गॉट इट गाइस, क्लियर है। मल्टीपल ड्रॉप भी करा सकते हैं। ओके चलाओ मल्टीपल देखते हैं। बी थ्री ओके सो ई यहाँ पर ले लो सी और टी। ओके ये हो जाएगा आपका डी एफ थ्री, बी थ्री हो जाएगा ना। सो जब बी थ्री बी थ्री एंड बाकी तो आपका डी एफ है। ओके तो देखते हैं, जाओ सो हियर। ओके ऑब्जर्व करो, सी भी गायब है, डी भी गायब है और आपका ओरिजिनल वाले में सब कुछ अवेलेबल है। योगेश अगर एक्सिस रन नहीं करोगे तो फिर क्या आएगा? देखो पहली बात तो मैं वो जब मैं आपको इस स्पेसिफिकली ये चीज बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसका कोई रीजन होगा। ओके बाय डिफॉल्ट सबसे पहली लाइन मैंने आपको यही लिखाई है कि बाय डिफॉल्ट रोज पे चलेगा और रोज पे सी और डी जैसा कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके तो अगर आपको कॉलम साइड जाना है तो आपको एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया योगेश? ओके क्योंकि स्पेसिफिकली हमें पता है ना हमें क्या करना है, इस वजह से हम यूज कर रहे हैं उसका। ओके बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, रो साइड चल रहा है, अगर रो पे होता तो वहां से रिमूव कर देता। सो गाइस ड्रॉप कॉम फंक्शन, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या कर रहा था ये। ओके आपका जो भी डेटा है, आप जो भी टारगेट दे रहे हो उसे छोड़ के बाकी सारा डेटा फिल्टर करके आपको प्रोवाइड करा रहा है। गॉट इट, बाकी सारा डेटा फिल्टर करके आपको प्रोवाइड करा रहा है। और नाउ we have delete operation. So guys, delete operation is not specific. Okay, delete ऐसा नहीं है कि ये pandas का है। ये delete कौन सा वाला है? ये delete आपका python का function है, core python का function है, हर जगह चलता है। delete मतलब completely memory से पूरी तरीके से vanish कर दो, remove कर दो। Okay, wow, remove कर देते हैं। Simple. जिसे भी हटाना है आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट फंक्शन। लाइक मैंने लिखा प्रिंट, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इट हैज नो रिटर्न टाइप, इट हैज नो रिटर्न टाइप। ओके गाइस इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके तो देखते हैं प्रिंट डिलीट। हाँ प्रिंट कराऊंगा तो वैसे भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिलीट डेल, देयर इज अ कीवर्ड फॉर दैट, बोल रहा हूँ df में से जाके b को रिमूव कर दो, किसे b को रिमूव कर दो। अब देखते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग del ऑपरेशन ऑन df, सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बी अवेलेबल नहीं है, परमानेंटली रिमूव हो चुका है यहाँ से। ओके शिवम यू आर राइट, परमानेंटली रिमूव करता है आपका पॉप ऑपरेशन, बट अगर मैं बोलूं कि डिलीट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ,
क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब कि इसका कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है। अगर आप इसे चेक करोगे, यहाँ पर ऑपरेट करा देता हूँ आप लोगों के लिए, ओके। मैंने बोला भाई एक काम करो, अब पर सी रिमूव करा दो, ठीक है, क्या करा दो सी, और इसे प्रिंट में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से ऑब्जर्व हो, ओके। मतलब प्रिंट में डालूंगा तो इस फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप होगा मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वैलिड सिंटैक्स, मतलब कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, आपने उसे कमांड दी जाके डिलीट कर दो, इसमें वहां से हमेशा के लिए हटा दिया है, हमेशा के लिए हटा दिया। पॉप का क्या था डिफरेंस, यही है पॉप में कि उसका एक रिटर्न टाइप था, लाइक मैंने क्या लिखा df डॉट पॉप, ओके। क्या पॉप करना है, क्या बचा है, डी बचा है, तो देखो आपका डी निकल के आ रहा है, आपको रिटर्न टाइप में डेटा तो मिल रहा है ना, यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपने उसे कमांड करा है भाई जाके डिलीट कर दो, मुझे गार्बेज नहीं चाहिए, तुमने उसे पूरा का पूरा उड़ा दिया। क्या डिफरेंस समझ में आया तीनों में, किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर योगेश, ओके शिवम, क्लियर हुआ? हाँ बता भाई क्या ड्रॉप में डाउट है, जल्दी बताओ मुकेश। A to C with axis 1, रुक जाओ फिर, तो देखी भी सिर्फ क्वेरी लग रही है, दिस इज द पहली बार तो A और C है आपके कैपिटल होंगे, तो A तो है ही नहीं, C भी नहीं है, तो काम करते हैं DF1 कर लो, ओके। DF1 में मेरे पास काफी कुछ था, A A A इसे DDD तक चला देते हैं, डी 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 डी, ओके गॉट इट। पहली बात तो ये चीज आपको डाउट में आनी नहीं चाहिए थी, ये चीज मैंने वही करके दिखा दी थी जब मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि मल्टीपल में जब आप हम रो साइड से कॉलम साइड आ रहे थे लाइक दिस df1, मैंने कुछ इस तरीके से करा था ना df1 डॉट ड्रॉप, मैंने आपको करके दिखाया था कि मैं इस तरीके से भी करके देखूंगा लाइक रो सारी और कॉलम नंबर 1, तो जब उसने वहीं पर इनवैलिड सिंटैक्स दे दिया था, ठीक है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो यहाँ पर ऑपरेट होगा, गॉट इट गाइस। मुकेश क्लियर है, ओके ओके गाइस कूल, आगे देखते हैं। नाउ आपको एक टाइम पे मल्टीपल कॉलम करने के इज व्हाट यू डन, ओके। एक टाइम पे मल्टीपल कॉलम, मुझे एक क्वेरी लिख के दिखाओ फटाफट से, ओके एक मिनट रह गया है, ठीक, तो मैं सेशन रिक्रिएट करता हूँ, बट आप लोगों को ये करना है तब तक जब तक रिक्रिएट होगा, आप लोग फटाफट से नेक्स्ट चैट में रिप्लाई कर देना मुझे, क्या कि आप एक साथ मल्टीपल कॉलम कैसे गेट कर सकते हो, ठीक है, एक क्वेरी जो जिसके माइंड में आ रहा है, एक साथ मल्टीपल कॉलम गेट करना है आपको, ओके गाइस, ठीक है। मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ लाइक यहाँ पर प्रिंट एक्सेस मल्टीपल कॉलम एट वन टाइम, ओके एक्सेस मल्टीपल कॉलम एट वन टाइम, सो मैं df1 से एक्सेस कर लेता हूँ, ओके मैंने बोला a एंड bbb कॉमा e, ओके इस तरीके से मैंने एक साथ मल्टीपल कॉलम एक्सेस कर लिए, ओके। तो देखो क्या बोल रहा है कि एरर अवेलेबल नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि एक पैरामीटर एक टाइम पे एक्सेप्ट करता है, तो एक पैरामीटर पे बाइंड करके दे दो इसे, इस तरीके से समझ में आया, तो देखो ये सब मैंने एक्सेस कर लिया है यहाँ से इस तरीके से, गॉट इट, ओके। तो आपको अगर एक साथ मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लाइक ये सिंपल एक सिंटैक्स है जो आपने लिखा है, ओके। अब क्या करना है गाइस, ओके नाउ वी हैव, ओके एडिंग, ओके तो रो साइड आप डेटा कैसे ऐड करोगे वो देख लो, ओके
तो मैंने क्या करा, एक डेटा, एक स्ट्रक्चर बनाया। मैंने बोला किसमें ऐड करना है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ओके पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने बोला कि ये रही आपका एक, मतलब डेटा फ्रेम के रिस्पेक्ट में मैंने क्या बोला, एक स्ट्रक्चर बनाया, ओके। मैंने लिखा दिस 2 3 4 5 6 वैल्यू, ओके गॉट इट, ये बना स्ट्रक्चर। और अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉलम के थ्रू असाइन करा देता हूँ। लाइक कैसे, कॉलम्स सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको कॉलम के स्ट्रक्चर, कॉलम वाइज स्ट्रक्चर पर डेटा डालना है तो ठीक है। मैंने लिखा सीसी में जाएगा ये बीबी, ये ए पे, ए कॉलम पे जाएगा, उसके बाद ए बी सी डी एफ एंड ई, ओके गॉट इट। तो इस तरीके से इस तरीके से मैंने क्या करा, मैंने लिखा डेटा एक वस्तु में, मतलब एक डेटा फ्रेम बनाया जो कि अभी ये है, एक डेटा फ्रेम बनाया सिंपल, इनवैलिड सिंटैक्स डॉट डेटा फ्रेम, ओके शेप ऑफ द 1.6 एंड दिस इज इंप्लाय 6x6 एक्चुअली ऑब्वियसली राइट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही भेजेंगे क्योंकि मुझे क्या करना है, डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर पर डेटा भेजना था, तो इसलिए मैंने इसे इस तरीके से भेजा 2-डाइमेंशनली, ठीक है ना, क्लियर है ना गाइस, पता है ना डेटा फ्रेम 2-डाइमेंशनली एक्सेस करता है, ओके। तो मैंने इसे 2-डाइमेंशनल डेटा को पुट कराया, तो देखो यहाँ पर एक प्रॉपर डेटा फ्रेम बना, मतलब कि एक डेटा फ्रेम बनाया सिंपल, ओके गॉट इट। तो जब एक डेटा फ्रेम बना लिया, अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यूज को रो एज रो पास करूंगा, कहां पर, आपके नेक्स्ट डेटा फ्रेम में। तो आओ देखते हैं कैसे पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो टारगेट डिजाइन करा है किसके रिस्पेक्ट में डिजाइन करा है, आपका डेटा फ्रेम df1 के रिस्पेक्ट में। तो नाउ ऐड दिस डेटा फ्रेम, अभी तक हमने कॉलम पे तो देख लिया है, ऐड रो साइड, रो साइड पर कैसे स्ट्रक्चर भेजोगे आप, तो सिंपल आपका डेटा इंस्ट्रक्शन प्रिंट डेटा इंसर्शन देखते हैं कैसे, df1.append सिंपल विद डेटा, ओके। तो अब जब आप इसे ऑपरेट कराओगे तो आपको दोनों की वैल्यूज ठीक है, सो नाउ वी गेट दिस। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है इसमें, दिख रही है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताओ पहले क्या है, कर दे गाइस, व्हाट इज द प्रॉब्लम भाई, हो तो गया, रो वाइज डेटा आ गया यहाँ पर, देखो 45 23। अब सीसी पे मैंने 12 डाला था, इसका मतलब क्या है, सीसी की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी, तो ऑब्वियसली सीसी पे क्या होगा, 12 आया होगा, ओके। हाँ तो लास्ट वाली रो में क्या प्रॉब्लम है, वही तो पूछ रहा हूँ, एग्जैक्टली इंडेक्स क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं। बट भरत आपको पता है इंडेक्स क्या, डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पास करता हूँ अब, लाइक मुझे इसे सेव कराना पड़ेगा एक बार पहले, तो मैं इसे देता हूँ x equals to this and we have x, हाँ यू आर राइट, बेसिकली जीरो पे आप दोनों आएंगे, x ऑफ जीरो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, df1 डॉट अपेंड x
डॉट आई लॉक, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कौन सा मिल रहा है, 29 वाला, अच्छा ओके 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 ओके। सो जीरो पे दोनों तो आने चाहिए थे, बट स्ट्रक्चर गेट तो होना चाहिए इसमें। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या हुआ, यहाँ पर एक अप एंड ऑपरेशन शुरू करता हूँ। अरे तो आ रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं फिर, लेट्स स्टॉप। आई थिंक आई लॉक इशू कर रहा है गाइस, आई लॉक में सिंपली भी गेट कर सकते हैं। और सिंटैक्स क्या था इसका, रुको मैं सिंटैक्स देखता हूँ गाइस। ओके, आई लॉक से मैं स्पेसिफिकली जीरो वाला पहला वाला डेटा उठा पा रहा हूँ, बट मुझे तो दोनों चाहिए ना। देन अगर एक्स ऑफ जीरो पास करने से नहीं आ रहा था, गाइस यहाँ पे दोनों गेट होती थी बट अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। हाँ गाइस वेट अ सेक, मैं एक बार सिंटैक्स चेक कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। क्या था क्या था क्या था, सिंपल कर देते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो ओके, सो गाइस नाउ वी गेट द प्रॉपर आउटपुट। ओके ठीक है ना। ओके अब देखो यहाँ पर, वहां पे क्या होता था जब मैं आई लॉग दे रहा था तो इंडेक्स लॉग के थ्रू क्या होती, पहली वैल्यू गेट होती थी, बट अगर आप इग्नोर इंडेक्सेस कर दोगे तो क्या करेगा, इंडेक्सेस को सेट कर देगा, मतलब कि जो न्यू इंडेक्सेस आ रहे हैं उन्हें क्या करेगा, ऑर्डरली कर दे, आपका सेट कर देगा। ओके लाइक जैसे कि ये वाली वैल्यू आई थी तो जीरो पे आ रही थी, मतलब उसके लिए क्या था कि आप एक डेटा फ्रेम में दूसरा डेटा फ्रेम अपेंड कर रहे हो तो वो उसके स्ट्रक्चर को लेकर चल रहा था, बट मैंने क्या करा उसके इंडेक्सेस को इग्नोर कर दिया। मैंने बोला जो भी भाई आपका एक्चुअल जो भी कंस्ट्रेंट आ रहा है, जो भी आपका ऐसी चीज आ रही है जो मैनिपुलेट करे स्ट्रक्चर को, तो उससे क्या करेगा उस इंडेक्सेस को इग्नोर कर देगा। तो देखो मैंने इसे बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, मैंने ट्रू कर दिया तो मुझे आउटपुट प्रॉपर मिल रहा है। ओके और बाकी आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी कहाँ से, तो यहाँ से आपको मिल सकती है, ठीक है ना। आप कंट्रोल आई दबाओ, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डी टाइप। देखो अभी बाय डिफॉल्ट नन है, मैं चाहूँ तो इसमें डी टाइप देके इसे चेंज कर सकता हूँ। ओके क्लियर है गाइस और नॉट, बताओ अगर कोई डाउट है फिर से डिस्कस कर सकते हैं इनसे। ओके वंस अगेन कौन है भाई, रोहित एंड सतपिंदर। ओके बाकी को समझ में आ गया, प्रिया प्रिंस। ओके ठीक है ओके रिमूव कर,
कमल क्या कहना चाहते हो आप, सर इंडेक्स से गेट क्यों नहीं कर सकते? कमल कल वाला वीडियो देखो जाके, पता चल जाएगा। कल इसी पे टाइम वेस्ट करा था, लॉक आई लॉक है ना, फिर से वही चीज रिपीट करवा रहे हो यार। ओके कल वाला वीडियो देखो, समझ में आएगा। एक और ऑपरेशन देख लो गाइस इस पे। ओके अब अभी तो मैंने क्या डेटा फ्रेम डाला था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और स्ट्रक्चर डाल देता हूँ डी इक्वल्स टू। ओके ये भी पॉसिबल है, बता ही रहा हूँ, तो इस तरीके से देख लो, कोई इशू नहीं आता। सी सी डी डी पे भी डेटा, एफ एफ और ई ABCD, ABCDEF। ओके सो गाइस देखो मैंने क्या करा, सेम इसी की तरह डेटा क्रिएट करा। आपको पता है डिक्शनरी से भी मैं डेटा डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना गाइस। अब मैंने क्या करा, इसे कहाँ पास करा, मुझे रो साइड पास करना है। कहाँ पास करना है इसे, रो साइड, कि मेरा जो डेटा है वो कहाँ पर जाना चाहिए, रो साइड जाना चाहिए। तो अब मैं कैसे डालूंगा इसे, ओके गॉट इट। तो देखते हैं डिक्शनरी को, इफ आई वांट टू पास एट रो साइड, अपेंड करते हैं, आ जाओ डी, ये बन गया। सो एक्स डॉट अपेंड, ठीक है, एक्स को अपडेट कर देता हूँ, एक्स को अपडेट करना सही रहेगा, ठीक है चलो कर ही देते हैं। df1 डॉट अपेंड, एपीपी अपेंड फंक्शन लगाया मैंने। ओके df1 डॉट अपेंड, अपेंड विद व्हाट, ओके इससे अपेंड करना है मुझे न्यू रो, न्यू रो कौन है मेरा, दिस। ओके तो जब मैं ऐसे परफॉर्म करूंगा सिंपल, इसे ऑपरेट कराया मैंने, क्या बोल रहा है, कैन ओनली अपेंड अ सीरीज इफ इग्नोर इंडेक्स टू टू, ओके कूल ठीक है। तो देखो अगर डेटा फ्रेम होता तो क्या करता है ये, अगर डेटा फ्रेम होता तो ये यहाँ पर क्या करता है गाइस, आप लोगों को पता है ये करता, जो भी इसने यहाँ पर करा था दिस, यहाँ पर ये नया स्ट्रक्चर ज्वाइन कर देता, बोलता भाई यहाँ पर भी जीरो आ गया, यहाँ पर भी जीरो आ गया, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। ओके बट अब क्या होगा, जब मैंने क्या करा सिंपल, मैंने बोला कि एक नया आपका जो पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है इग्नोर इंडेक्सेस, वो इसे हैंडल कर लेगा। मैंने उसे लिख दिया ट्रू, जो कि बाय डिफॉल्ट फोर्स होता है, मतलब कि जो अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर पे इंडेक्स आता है तो उसे आप इग्नोर कर दो। जब मैंने इसे रिजॉल्व कराया तो देखो यहाँ पर ये डेटा फ्रेम बन गया, अब जीरो की जगह सिक्स आ रहा है, मतलब एक्चुअल इंडेक्सिंग हो चुकी है मेरी। बट अब यहाँ देखो मैंने क्या पास करा है, डिक्शनरी पास कर दिया, तो वो एरर क्या शो कर रहा है, एरर बोल रहा है कि कैन ओनली अपेंड अ सीरीज इफ इग्नोर इंडेक्स ट्रू और इफ द सीरीज हैज अ नेम। बोल रहा है या तो इसे सीरीज बना दो तब पास करो, मतलब कि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दो, या तो इसके जो इंडेक्सेस बनेंगे उसे इग्नोर कर दो। तो मैंने बोला बेटर ये होगा कि मैं इसके इंडेक्सेस को इग्नोर कर देता हूँ। ओके इग्नोर इंडेक्सेस इक्वल्स टू ट्रू, तो अब देखते हैं एक्स में क्या बनेगा, नाउ वी गेट एक्स। ओके सो ए पे 45, सीसी पे दिस, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ चुका है, मैंने एक्स को अपडेट कराया गया, जिस वजह से डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ओके अगर चाहो तो इसे वाई ले सकते हो आप, नया स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, एक्स में अपडेट कर दो तो क्या आएगा आपका वाई। ओके ठीक है, तो नाउ दिस इज योर स्ट्रक्चर। अब हुआ क्या है यहाँ पे देखो, मेरा स्ट्रक्चर बढ़ गया ये, एक सेकेंड, एक्स में मैंने क्या करा, df1 डॉट अपेंड एक्स। ओके ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्यों बढ़ गया मेरा, कोई बताएगा मुझे, एनीवन, कर कुछ और रहता हो कुछ और हो गया, बट अच्छा हुआ जो भी हुआ, तो बताओ मुझे पहले हुआ क्या है यहाँ पर। हाँ अपेंड टू टाइम्स, हाँ बोल सकते हो,
बेसिकली कुछ नहीं हुआ, मैंने अभी डी को नहीं, मैंने क्या करा df1 को एक्स से अपेंड कर दिया, किससे, df1 को एक्स से। तो देखो ये भी पॉसिबल है, अब एक्स में पूरा डेटा था तो वो भी रो वाइज आ गया, बस स्ट्रक्चर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये भी पता चला, आप इस तरीके से भी वर्क कर सकते हो। ओके अभी मैं इसे डी कर देता हूँ यहाँ पर वापस से, मुझे एक ही वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो मैंने वाई में लिखा df1.append d, इग्नोर इंडेक्सेस दिस, तो अब आपका सिंपल df1 में यही वाली वैल्यू अपेंड होके आएगी और आउटपुट आपको वाई में मिलेगा। सो दिस इज योर आउटपुट। अब क्लियर है गाइस, कोई डाउट हो तो बताओ। ओके भरत, गौतम, सतविंदर, रेनू, यू हैव डाउट, यू हैव एन डाउट? ओके तपन, कूल। ओके 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 प्रिया, ठीक है चलो आगे देखते हैं। सो एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चराइजेशन पे आता हूँ आप लोगों के साथ, काफी फंक्शन फंक्शन हो गया है। सो गाइस ओके ठीक है, सो गाइस वी हैव पीडी डॉट डेटा फ्रेम, मैं स्कैन देता हूँ डेटा सेट। ओके गाइस अब हम क्वेरीज लगाना सीखेंगे। ओके अब हम क्या करेंगे, क्वेरीज लगाना सीखेंगे। प्रिया कॉलम में ऐड करना हो तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम कॉलम ही तो ऐड कर रहे थे, इससे पहले जितना कराया सारा कॉलम पे ऑपरेशन कराया, अपेंड का तो मैंने एक ही फंक्शन बताया, इससे पहले जितनी भी वर्किंग कराई है कल कराई थी पूरी कॉलम पे ही कराई थी। कॉलम में आप डेटा कैसे ऐड कर सकते हो, ओके एक पूरा का पूरा कॉलम, जैसे एक पूरी की पूरी रो ऐड हो रही वैसे एक सीरीज उठा के डेटा फ्रेम में पास कर दो लाइक दिस। अगर आपको याद ना तो आपको मैंने यहाँ पर df है, हाँ है, तो df में मैंने एक नया कॉलम डाला न्यू, तीन चार वैल्यू डालनी है डाल दो, 1 2 3 4 5 6 नाउ df, तो देखो कॉलम नंबर न्यू क्रिएट हो गया। गॉट इट प्रिया, भूलो मत पीछे का यार, इसीलिए आप नया पढ़ो और पुराना भूलते जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। भरत इनसाइड एट व्हाट लोकेशन, लाइक एट रो साइड और कॉलम साइड, एट रो साइड और कॉलम साइड भरत, हाँ कर सकते हैं। ओके आप रो भी इंसर्ट कर सकते हो, बट हम रो को देखो क्या होता है ना, अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ठीक है ना, अगर आप उसे करोगे ओके एक स्ट्रक्चर है, आपने उसमें क्या करा है एक रो इंसर्ट करा है किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो मैनिपुलेट हो जाता है। ओके तो इस तरीके से हम ये ऑपरेशन काफी कम ही परफॉर्म करते हैं, बट हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। ओके इसके लिए भी पॉसिबिलिटी है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा, लाइक आगे चल के हमें काफी कुछ पढ़ना है, काफी बड़े बड़े डेटा सेट पढ़ने हैं, तो हम उसमें ये सब चीजें ऑब्जर्व करेंगे। मेजरली इन सब चीजों से भी हमारा काम चलेगा नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको जो चीज कराने जा रहा हूँ वहां से चीजें स्टार्ट होती है एक्चुअली में, अभी तक तो जैसे डेमोन्स्ट्रेशन था, अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है अभी तक बस आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ आपने फंक्शनैलिटीज देखी है। ओके पढ़ोगे तो आप, ओके सो गाइस जो भी बोलूंगा फटाफट से कॉपी पेन साइड में रखना, अपने लैपटॉप लेके मत बैठे रहना, ठीक है ना। मेजरली
नोटपैड का यूज करो, कॉपी पेन का यूज करो, जो भी क्वेरी दूंगा, जो भी जिसके माइंड में आ रहा है, अभी क्लास होती तो मैं आपको सामने लिख के सबको समझाता, ठीक है, बट यहाँ पर हम थोड़ा ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, आप मुझे चैट पे लिख के क्वेरी बताओगे कि हाँ क्या होगा, ओके, अदरवाइज मैं यहाँ तो डेटा फ्रेम भी बना के दे रहा हूँ, अदरवाइज क्लास होती तो मैं ये भी ना देता, ओके, आप खुद से क्रिएट करते हैं, बट चलो देखो मैंने क्या लिखा, एक डेटा सेट बनाने जा रहा हूँ गाइस, कुछ भी रैंडम सा एक डेटा सेट बनाऊंगा मैं, लाइक तो आई सेड मेरे पास है डेटा, डेटा यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ मैं, इजी होगा मेरे लिए, सी प्लस टू नेम ले लो सिटी, गाइस डेटा हम खुद ही क्रिएट करके उस पर खुद ऑपरेशन करेंगे ताकि हमें पता रहेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या या नहीं हुआ है, ओके एक सेकंड गाइस, मैं फटाफट से एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ आप लोगों के लिए 20 वैल्यूज का, सिटी कस्टम में एंट्री डॉट, आपको इसका आइडिया है कैसे करना है मैं बता चुका हूँ पहले, चॉइस सो गाइस वी हैव फोर सिटीज, ओके मेरे पास क्या है चार सिटीज हैं, ओके जो कि एन तक इटरेट होंगी, आपको आइडिया है इस चीज का, ओके अगेन कॉमा सिटी हो गई, पिन कोड एक काम करते हैं पिन कोड नहीं डालते हैं, सिटी हो गई एज, ओके सो यहाँ पर एंट्री डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, ओके एंट्री डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, ओके गाइस ऑपरेट कराओगे आप, लेट्स सी सतविंदर अभी डिस्टर्ब मत करो, देखते हैं ठीक है ना, मैं बात करता हूँ तुषार सर से, कोई इशू नहीं है, सो देखो गाइस क्या है यहाँ पर, ठीक है सिटी हो गई, एज ले लेते हैं मैं बोल रहा हूँ 5 से लेकर 20 स्टेट हैं और 10 तक, ठीक है ना 5 to 10 इयर्स, मतलब मैं बच्चों का डेटा सेट बना रहा हूँ नॉर्मली अगर बात करा जाए तो, so entry dot random dot this ये हुआ, ये start हुआ, ये बंद हुआ, अभी के लिए ये ठीक है, फिर operator n, okay cool, एक चीज और लगा लेते हैं हम इसमें, सिटी हो गई एंड एज हो गई एंड देन योर कॉन्टैक्ट, डी को मैं यहाँ पास कर
सो गाइस देखो मैंने अभी के लिए यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बनाया है। ओके क्या बनाया है, पूरा का पूरा एक डेटा फ्रेम है। एरर कहाँ थ्रू कर रहा है, ओके नाउ वी हैव डेटा सेट। ओके जी रहा गाइस बन गया। ओके काफी कुछ है इसमें। अब आप लोगों को करना क्या है एक्चुअली, मुझे सिर्फ ओके एक सेकंड रुको, गाइस देखो कुछ लोगों ने जो पहले सेशन ले रहे थे मेरे साथ लाइक मुकेश हो गया, ठीक है प्रिंस हो गया, ओके और जो भी एक दो बच्चे, ठीक है मुझे प्राइवेटली सेंड करना है इसका, सबके साथ मैं सेंड करना। ओके अगर आप लोग इसकी क्वेरी लिख लोगे तो गॉट इट। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मुझे वो इंडिविजुअल चाहिए जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जिनकी कैटेगरी लो है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, आई वॉन्ट दैट गाइज, ठीक है उनका मुझे डेटा चाहिए जिनकी कैटेगरी क्या है, लो है और दिल्ली से बिलोंग करते हैं। That's it. समझ में आ गया, एवरीवन गेट दैट थिंग। ओके किसी को कोई डाउट है कि मेरी क्वेरी क्या है, तपन क्लियर है ना, हाँ भरत प्रिया रेनू करण प्रिंस एंड कौन गया मुकेश। ओके आप दोनों ने मे भी कर रखा है तो मुझे पर्सनली सेंड कर दो। ओके प्राइवेट करके सेंड करना, एवरीवन पे मैं सेंड करना अगर कर लोगे तो। ओके और जिसने भी पहले करा हो, मुझे ऐसे तो याद नहीं है बट इन दोनों का याद था। गाइस बी फास्ट विद इन 2 मिनट्स करके दिखाओ मुझे फटाफट से। सिर्फ एक छोटी सी क्वेरी लिखने के लिए बोला है आपको, बस क्वेरी लिख के दे दो। जो भी आ रहा आपके माइंड में, जैसा भी आ रहा फटाफट से। ओके ओके भरत आई ऑपरेट योर क्वेरी। इनवैलिड सिंटैक्स भरत, भारत वी गेट इनवैलिड सिंटैक्स फ्रॉम योर क्वेरी। ओके चलो सिंटैक्स एरर तो मैंने सॉल्व कर दी। अब ट्राई अगेन, गाइस प्राइवेटली सेंड करना मुझे अपनी अपनी क्वेरी सारे के सारे। Mm-hmm.
ओके प्रिंस, ठीक है एक सेकंड क्वेरी पढ़ूंगा तुम्हारी। सिटी इक्वल्स टू दिल्ली टू लो, ठीक है प्रिंस। बाकी तो सब ठीक है, बट पाइथन केस सेंसिटिव होती है तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रख के चलना। ओके बाकी क्वेरी शायद आपकी भी गलत है प्रिंस, क्वेरी गलत लिखी है तुमने। देखते हैं चलो ऑपरेट करा के, मे भी सही भी हो सकती है, गलत कहना गलत हो सकता है, देखते हैं। तो सारे एक साथ ही भेजोगे क्या? सिटी का सी कैपिटल था, चलो मैं कर देता हूँ। कैटेगरी का सी कैपिटल था। ओके नेम सिटी इज नॉट डिफाइंड, रॉन्ग प्रेस, रॉन्ग। ट्राई तो सब कर रहे हो ठीक है, थोड़ा बहुत सही जा रहे हो बट हल्का फुल्का गलत है। ओके उसके बाद कौन आया था प्रिंस के बाद? करण। करण सिटी दिल्ली है, करण रॉन्ग है यार, आउटपुट गलत, मतलब एरर आएगी, टाइप एरर आएगी करण। ओके वी गेट टाइप एरर। द करेक्ट क्वेरी इज फ्रॉम शिवम साइड। ओके तो शिवम पढ़ तो तूने ही पहले रखा यार, तो सही लिखा है तूने, वेरी गुड कूल। प्रिया डेटा सेट सिटी दिल्ली कैटेगरी लो। ओके चलो प्रिया का ट्राई करते हैं। आ जाओ भरत, आपने सही क्वेरी नहीं भेजी अभी तक, फटाफट से भेजो। प्रिंस दिल्ली का डी नहीं, काफी कुछ गलत था उसमें। यहाँ पे ये छूट गया था, कॉपी करना ठीक है। चलो डेटा सेट में से सिटी की बात कर लेता हूँ, तो सिटी मैं सही कर देता हूँ। बस थोड़ा सा देख के लिखो यार यहाँ पर, जैसे मैंने लिख रखा ना थोड़ा सा। कैटेगरी क्रिस्टल लो, चलो आओ देखते हैं क्या बात है। प्रिया वी गेट दिस थिंग्स, आपने तो चेक कर लिया बस। चलो यहाँ तक तो पहुंचे ठीक है। सो प्रिया की क्वेरी लिखी सही है ओके, बट यहाँ पर सिर्फ चेकिंग परफॉर्म हुई है ठीक है। वहां वहां पे ट्रू आया है, लाइक एक ही वैल्यू, दो वैल्यू ट्रू है जहां पर ये वैल्यू मुझे मिल सकती है ठीक है। जीरो रोज पे, रो नंबर जीरो और कॉलम यहाँ सॉरी रो नंबर थ्री पे। तो प्रिया की क्वेरी से मुझे कुछ तो पता चला ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? मुझे प्रिया इसी को कंटिन्यू करो, बस एक दो स्टेप और लिखने, इसमें आपका काम हो जाएगा ठीक है ना। डू इट, भरत नोवन। गाइस फोकस, प्रिया ने इतनी क्वेरी लिखी ठीक है ना। अब एरे को याद करो, लाइक मुझे क्या करना है, ये पार्ट रिट्रीव कराना है किसमें से, डेटा सेट में से। दैट्स इट, ओके ये पार्ट मुझे जो लिखा था जो कि सही है वो रिट्रीव कराना है डेटा सेट में से। तो बस मैंने सीधे से ऑपरेट कराया, और ऑपरेट कराने के बाद मुझे क्या मिलेगा इसका आउटपुट, तो जेड में अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो देखो मुझे आउटपुट मिल चुका है। ओके आई गेट माय आउटपुट फ्रॉम देयर। ओके दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, लो लो डेली कॉन्टेक्ट दिस, एज है उनकी 5-5 ठीक है। तो इस तरीके से मुझे मिल गया है। ओके भरत हाँ राइट ठीक है, प्रिंस तुम्हारा भी सही है, डन। कोई डाउट है गाइस यहां तक? जल्दी बताओ, क्वेरीज लगाने में लाइक जो ये मैंने अभी अभी तो ये एक क्वेरी करी है, अभी हम काफी ऑपरेशंस करेंगे। ओके इतना समझ में आया कि क्वेरी लगानी कैसे है, ये आपका मैनुअल ऑपरेशन है। मैनुअल का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको डेटा, बस आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करके चलना है, इसी को आप डेटा माइनिंग कहते हो। ओके
कि आप इन्फॉर्मेशन कैसे माइन कर सकते हो। देखो सेलेक्टेड इतना बड़ा डेटा था, किसी काम का नहीं था, मुझे मैंने अपना इन्फॉर्मेशन चूज करा, ठीक है, रिक्वायरमेंट पता करे और डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्लियर है इतना। ओके गाइज, मैं नेक्स्ट सेशन क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क क्लियर कर दूंगा कि क्या करना है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ तो मेरा डेटा सेट, डेटा सेट बना होना चाहिए था। करना है सपोज करो कोई डेटा सेट रीड कराना है, तो मेरे पास एक सीएसवी फाइल पड़ी है, मैं आपको अभी ड्रॉप करा दूंगा। ओके क्लियर है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा वो सीएसवी फाइल, अगर एक्सेल होगी वो तो एक्सेल में बस आपको यहाँ पर रीड एक्सेल लिखना है और लास्ट में उस फाइल का जो आप क्या होगा एक्सटेंशन होता है जो वो एक्सएलएस हो जाएगा या जो भी होना होगा आप चेक कर लेना। तो मेरी फाइल का नाम है पोकेमॉन डॉट अभी के लिए सीएसवी, पोकेमॉन डॉट सीएसवी, गॉट इट, जो मेरी इस लोकेशन पे पड़ी है, मैंने इसे कराया। तो जो डीएफएफ था, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना, बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, लाइक मैंने लिखा प्रिंट डीएफएफ, ओके डीएफएफ, ठीक है, तो देखो इसे जब मैंने प्रिंट कराया तो मुझे डेटा मिला कितनी, 800 रोज है, 13 कॉलम्स है, 800 रोज है और 13 कॉलम्स है, बहुत बड़ा डेटा सेट है, पूरा नहीं शो होगा। इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, वेरिएबल एक्सप्लोरर। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस टेबल में आपके पास जो इसका नाम डीएफएफ है पूरा स्ट्रक्चर है। सो गाइस देखो इसमें आपकी मिसिंग वैल्यूज भी है, ओके एनएन भी है, ओके सब कुछ है, ठीक है। तो इस फाइल के रिस्पेक्ट में मैं आपको 10 से 12 क्वेरीज अभी नोटपैड पे लिख के दूंगा कि आपको क्या क्या रिट्रीव करना है। तो नेक्स्ट टाइम जो आप क्या करोगे, इसमें से वो सारी क्वेरीज लगाओगे और एक नई सीएसवी फाइल में सेव करा के लाओगे, हर एक क्वेरी के लिए एक नई सीएसवी फाइल होगी, गॉट इट, वो आप मुझे शो करोगे, बस मुझे आप क्वेरी दिखाओगे, कोड दिखाओगे, दैट्स इट, ओके। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लाइक मुझे किस टाइप के पोकेमॉन चाहिए, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से मुझे पोकेमॉन चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जिनका टाइप वन ग्रास हो, ठीक है, और टाइप टू में क्या बिलोंग करते हो, पॉइजन टाइप हो, मतलब ग्रास टाइप पोकेमॉन तो आप लोगों ने देखे होंगे, जिसने नहीं देखे होंगे गाइस देख कार्टून नेटवर्क पे देख लेना जाकर, ठीक है। तो देखना क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वो पोकेमॉन्स, ठीक है, वो पोकेमॉन्स ये क्वेरी लगाऊंगा कि जिनका टाइप वन ग्रास बिलोंग करता है और टाइप टू किस टाइप अटैक टाइप के, पॉइजन के हों, ठीक है, सिर्फ यही। तो ऐसे काफी पोकेमॉन्स होंगे, तो देखते हैं ये क्वेरी कैसे लगा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। सो हेयर सेम मैंने बोला ऑपरेशन नंबर वन डीएफएफ में मुझे क्वेरी लगानी है, क्या कि डीएफएफ में, ठीक है ना, एक कॉलम है, ओके क्या, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड गाइस, तुषार सर का मैसेज आ रहा है कि मैं क्लास के लिए बोल देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है गाइस, ओके ओके। सो मैं बोल रहा हूँ कि डीएफएफ में ओके क्या है, एक डीएफएफ में टाइप वन नाम का एक कॉलम है, टाइप वन नाम का एक कॉलम है, ओके उसमें से मुझे क्या चाहिए, ग्रास टाइप पोकेमॉन, क्या चाहिए, ग्रास टाइप पोकेमॉन, ओके। तो ये सिंगल क्वेरी लगाई अभी मैंने, ओके तो इसे मैं क्या करता हूँ, बाइंड कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। तो देखो ऑपरेशन वन आ गया मेरा, ऑपरेशन वन में मुझे सारे ग्रास टाइप पोकेमॉन मिल गए, बट अब मैं चाहता हूँ कि यार ग्रास टाइप तो मिल गए, इसमें से मुझे क्या चाहिए, टाइप टू वाले चाहिए जो कि पॉइजन टाइप हो, ठीक है, या फिर साइको टाइप जो भी है, ड्रैगन टाइप, बट अभी के लिए मैं पॉइजन टाइप निकालता हूँ, ओके। तो मैंने बोला ओके सेकंड क्वेरी क्या लगाता हूँ, या तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, ऑपरेशन नंबर टू, ओके डीएफएफ में से, ओके डीएफएफ में क्वेरी
कि जो टाइप टू है मैनुअल डैश अलग अलग कर लो या एक साथ कर लो वो आप पे बात है, ठीक है ना। और उनका जो टाइप होना चाहिए टाइप टू क्या पॉइजन टाइप, और गाइस केस सेंसिटिव होती है पाइथन, याद रखना कहीं गलती कर रहे हो स्मॉल कैपिटल की। ऑपरेशन टू अगर आप ऑब्जर्व करोगे ओके, तो देखो सारे आपको पॉइजन टाइप पोकेमॉन मिले हैं, बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पर ग्रास टाइप चाहिए और यहाँ पर पॉइजन टाइप चाहिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ऑपरेशन थ्री ओके क्या कर सकते हैं गाइस ऑपरेशन थ्री में ओके इसमें सिर्फ ग्रास टाइप पोकेमॉन है, इसमें सिर्फ पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, देन व्हाट आई गेट क्या ऑपरेशन लगाऊंगा कि मुझे दोनों में से स्ट्रक्चर मिले। ऑपरेशन वन डायरेक्टली ठीक है, तो गाइस जहां पर मैं एंड ऑपरेशन का यूज कर सकता हूँ लाइक ठीक है कि डीएफ वन में जाके ये वाला और डीएफ टू में जाके ये वाला ऑपरेशन लग जाए कुछ इस तरीके से, डीएफ डीएफएफ पे आपका ऑपरेशन वन कुछ मैनुअल तरीका यही होगा एंड ऑपरेशन टू। तो बेसिकली क्या बोल रहा है बिट वाइज ऑपरेशंस पे प्रॉब्लम कर रहा है, सेफली कर रिलेटेड एंड डिस्टेंसेस एक काम करते हैं कुछ इस तरीके से इसे बाइंड करके देखते हैं ठीक है। सो गाइस देखो अलग अलग अगर मैं क्वेरी लगाऊंगा तो मेजरली मेरे पास इशू आएगा ही आएगा इसमें, क्योंकि आपका दो स्ट्रक्चर पूरा पूरा ऑपरेट हो रहा है, दो स्ट्रक्चर पूरा पूरा ऑपरेट हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ डूइंग दिस ठीक है व्हाट एंड ही तो लगा रखा मैंने और क्या करूं गाइस क्या कहना चाह रहे हो प्लीज टेल मी प्रिंस करण प्रिया सबका आउटपुट सेम ही आ रहा है एंड ऑपरेटर ही तो लगा है यहाँ पे बिटवाइज सिंपल वाला पुट करूं क्या बोलना चाह रहे हो दिस बताओ दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ ना तो मेरे पे बात है ओके ओके कंबाइन के लिए क्या लगा है अच्छा ठीक है ठीक है ओके 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 मैं आपको एक मैनुअल क्वेरी लिख के दिखाना चाह रहा हूँ ठीक है बट सिंटैक्स गड़बड़ हो रहा है कोई इशू नहीं है गाइस देखो पाइथन में कोई इनबिल्ट सिंटैक्स नहीं होता आपको बनाना पड़ता है ओके कैन नॉट कॉपी अ सीक्वेंस विद एक्सेस ठीक है तो यहाँ एक्सेस का इशू दे रहा है पास डेटा फ्रेम विद बुलियन वैल्यूज एग्जैक्टली भरत आपका आपकी क्वेरी सही है आप सही बोल रहे हो बट मैं दोनों में रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ लाइक क्या कि पॉइजन वन और पॉइजन मतलब टाइप वन इधर से टाइप टू इधर से कुछ इस तरीके से देखते हैं होता है कि नहीं होता अदरवाइज हमारे पास अल्टरनेट तो है ही है इसे एग्जाम करते हैं ये लगा के देखते हैं बस पास डेटा फ्रेम विद बुलियन वैल्यूज बुलियन वैल्यूज क्या कर रहा है यहाँ पर ही पूरी की पूरी चेक कर रहा होगा तो इसे वैल्यू मिल रही होगी सो गाइस सिंपली देख लो इसे ठीक है ना ऐसे रहने दो बट आपको मेजरली ये तो निकालना आ गया ना जैसे कि अभी भरत ने क्वेरी लिखी है ठीक है क्वेरी भी इस तरीके से करो बट इसमें एक ही का यूज हो रहा है ओके पहले क्या करा इसमें फिल्टर करा फिर इसमें फिल्टर लगा के दूसरा फिल्टर कर लिया ठीक है तो क्या करा ऑपरेशन टू क्या बनाया कि जो ऑपरेशन वन में से उसका टाइप टू पॉइजन होना चाहिए ओके तो दो क्वेरी ऐसे भी लग सकती है लाइक फर्स्ट फिल्टर एंड सेकेंड फिल्टर ओके तो यहाँ पर आपको ऑपरेशन टू में क्या मिल जाएंगे ग्रास विद पॉइजन टाइप पोकेमॉन ओके समझ में आया बट मेजरली मैं क्या करना चाह रहा था दोनों में अलग अलग ऑपरेट करना चाह रहा था बट सिंटेक्स नहीं बना उसका चलो कोई नहीं ओके इस तरीके से भी कर सकते हैं बट इतना करने से बेटर है कि आप ट्राई करो ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी लिखने के लिए। इसके बाद मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप वन लाइन स्टेटमेंट में कर दोगे मतलब अभी भी वन लाइन स्टेटमेंट ही है बट इससे भी ज्यादा स्मॉल वे में कर दोगे ओके तो अगर इसे मैं सिंपली यहाँ पर ही कर दू तो ओके एंड ऑपरेशन के साथ जैसे कि हमने पहले करा था ठीक है जैसे कि हमने
पहले ऑपरेट कराया था पूरा की पूरी एक ही क्वेरी में कि ये डीएफ है और ये भी डीएफ है, ओके ये इसे बिलोंग कर रहा है, ये इसे बिलोंग कर रहा है, ओके लाइक दिस। और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सेकंड, ये वाला डेटा फ्रेम था, ये टाइप वन ग्रास के लिए था, क्लियर है गाइस सिंटैक्स। ये हो गया एक क्वेरी, और ये होगी दूसरी क्वेरी, ओके और इसे देखते हैं। सो नाउ फाइनली ये एक स्टेटमेंट के लिए चलेगा और ये दूसरे के लिए चलेगा, ओके इस तरीके से मैंने इसे बिल्ड कर दिया है। चलो ऑपरेट करते हैं इसे, कहां पर गड़बड़ हो रही है यार, यहां पे और यहां पे, ठीक है ओके ओके। और गाइस कंसोल आपका जो ये अगर इनकेस ऐसा होता है ना कि ये जो वेरिएबल होता है ये वैल्यू स्टोर करके चलता है, तो अगर आपको ज्यादा या तो यहाँ से आप पूरा कर्नल ही रिफ्रेश कर सकते हो या फिर वेरिएबल एक्सप्लोरर को भी रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके। अगर आप ये दबाओगे तो सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये कंसोल रिफ्रेश करते हो तो सारे के सारे वैल्यू आपकी फिर से, मतलब आपका कर्नल रिफ्रेश हो जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू वैनिश कर देगा, गार्बेज वैनिश करके न्यू कर्नल आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर देखा तो ऑपरेशन वन पे मेरे पास मेरी क्वेरीज आ रही है। सो गाइस इस तरीके से मैं आपको 10 to 12 क्वेरीज अभी एक नोटपैड पे लिख के सेंड कर दूंगा, ये डेटा फ्रेम सेंड कर दूंगा, तो आप इसे ऑपरेट करके नेक्स्ट क्लास में लेके आओगे। प्लस एक चीज और, जैसे कि मैंने बोला कोड में क्या करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीएसवी फाइल रीड कराई थी, तो जब मैंने सीएसवी फाइल रीड कराई तो डीएफएफ का जो टाइप है वो क्या है, डेटा फ्रेम। तो आपको पता चला जो आपका एक्सटर्नल डेटा रीड हो रहा है वो डेटा फ्रेम में रीड हो रहा है, ओके। अब आप क्या करोगे, ये जो आपका क्लीन डेटा आया है या फिर जो आपका ग्रॉस डेटा है इसे कैसे राइट करोगे, तो उसके लिए सिंपल सा है, क्या जो भी डेटा फ्रेम है डॉट ये क्या था रीड सीएसवी, और अगर आपको डेटा डालना है तो उसके लिए आता है टू सीएसवी, क्या आता है टू सीएसवी, ओके। और डेटा फ्रेम का लोकेशन देना है तो लोकेशन दे दो, जैसे कि मैंने क्या दिया अपनी एच ड्राइव की लोकेशन दे दी, आपको जहां की देनी है वहां की। अगर आप नहीं देते हो लोकेशन तो ये मैन्युअली उसी फोल्डर में सेव हो जाएगा जहां पर आपका कोड सेव है। तो अगर अभी चलो मैं कोई लोकेशन नहीं देता, मैंने नाम दिया न्यू डॉट सी एस वी, तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, ओके मेरी जो न्यू डॉट सी एस वी है वो आके क्रिएट हो गई है, कहां पर लाइक दिस, ओके यहां पर। तो मैं इसे ओपन भी कर सकता हूं यहां पर, तो ये देखो ये मेरी न्यू डॉट सी एस वी यहां पर अवेलेबल है। मुझे अगर देखनी है तो फाइल एक्सप्लोरर में जाके मैं देख भी सकता हूँ, ये देखो गिटहब पीएनजी न्यू डॉट सी एस वी, तो यहाँ पर इसी फोल्डर पे एलोकेट हो जाएगी वो, गॉट इट। अगर मैं यहाँ पर इसे देना चाहता कि एच ड्राइव पे जाके सेव हो जाओ तो बस मैं इसको पाथ दे देता, तो ये अब एच ड्राइव पे सेव होगी। Got it guys, clear है इतना, आपको डेटा रीड और राइट दोनों कराना आ रहा है, ओके okay? अब आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं काम दूंगा नेक्स्ट क्लास में आप मुझे शो करोगे उसे, ओके सबका ईच एंड एवरीवन। कोई डाउट है तो बताओ, बाकी जो जाना चाहता है वो जा सकता है क्लासेस के लिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ओके टेल मी फास्ट, अदरवाइज वी वाइंड अप द सेशन। तुषार सर के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि नो डाउट, ओके सो भरत गौतम कमल रेनू, ओके 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 गाइस बाय।